प्रदेश में अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। नवंबर माह में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इस सीजन में अब तक सामान्य से 90% कम बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि 1 और 2 दिसंबर को बादल छाने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना फिर भी कम है। इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट कम है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। और अगर नवंबर मंथ की हम बात करते हैं तो इसमें जहाँ बारिश या बर्फबारी की अगर बात करें उत्तराखंड के लिए, तो ये सबसे ड्राई मंथ हमारा है। इसका अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 6.4 mm के आसपास है, और इस समय तापमान देखें तो तापमान हमारे करीब करीब सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं, 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इस तरह का है, बाकी सामान्य के आसपास है। हाँ, ये है कि बारिश नहीं होने से, चाहे वो पॉल्यूटेंट्स है या एरोसोल्स है, उसका वो कहीं ना कहीं बढ़ता है फिर हवा में। अगर बारिश नहीं होती, बारिश होने से सब चीज़ें सेटल होती है, तो वो ठीक हो सकता है कि थोड़ा पोल्यूशन लेवल हायर साइड पे होगा, लेकिन अदरवाइज देखें तो नॉर्मल है। इस समय जो विंड है पैटर्न या फिर जो है टेम्परेचर है, ये सब नॉर्मल के आसपास है, और ऐसे तो फेयर वेदर आपको दिख ही रहा है, धूप अच्छी खिल रही है और कोई फॉग या इस तरह की चीज़ें अभी तक नहीं मिल रही हैं, तो वो चीज़ें ठीक हैं। और बारिश की जहाँ तक बात है तो इस मंथ में सबसे कम होती है ऐसे भी, और अभी 8 से 10 दिन आगे भी देखें तो उसमें भी कोई बारिश की संभावना नहीं है। 1-2 तारीख जब आप दिसंबर में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत क्लाउडिंग आ सकती है 2-3 तारीख में, 1 तारीख में, लेकिन बारिश की उसमें भी संभावना अभी उत्तराखंड में नहीं दिख रही है।